दोस्तों, इसराइल फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष लगातार जारी है और इस खूनी संघर्ष में कल रात जिस तरीके की तस्वीरें गाजा से सामने आई उसने हर किसी को कपा दिया और हर कोई इसराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा की जा रही कार्रवाई का खुल करके विरोध करने लगा और ये कहने लगा कि ये किस तरीके का नरसंहार जो है वो चल रहा है और दुनिया इस पर तालियां पीट रही हैं, खुशियां मना रही हैं इसराइल के इन आतंकी कार्रवाइयों को देख करके। जहां हमारा गोदी मीडिया ये बताता हुआ दिखाई दिया कि कल रात जो है 150 हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, फिलिस्तीनी जो है वो डर से कांप रहे हैं, कई तो गाजा छोड़ करके भाग गए। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो लगातार गोदी मीडिया द्वारा किया जाता रहा, पर जब तस्वीरें वीडियो सामने आए तो वहां उनसे पूछिए कि कौन सा दूध मोहा बच्चा अलकसाम ब्रिगेड या हमास से जुड़ा हुआ था जिसको आप बता रहे हैं कि इतने आतंकी जो है वो ढेर कर दिए। एक वीडियो ऐसा रुलाने वाला सामने कल आया कि एक मां जो है अपने बच्चे के टुकड़े को ढूंढ रही है, हाथ में उसका अपने बच्चे का एक हाथ है और लोगों से रोती हुई अपील कर रही है कि मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। पूछिए वो मां कौन से हमास या अलकसाम ब्रिगेड से जुड़ी हुई थी जो इसराइल के आतंकी सैनिकों का कल शिकार हो गई। यह तस्वीर दुनिया के सामने है और इस नरसंहार को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील देशों द्वारा। और किस तरीके का मंजर कल गाजा में देखने को मिला, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से यह वीडियो सामने आया जहां रात भर ये इसराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा कार्रवाई जो है वो जारी रही, जहां अपने लड़ाकू विमानों से जबरदस्त तरीके से बमबारी की गई और यह बताया गया कि 10,000 बम जो हैं वो कल दागे गए हैं इसराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, जहां गाजा को पूरा तबाह बर्बाद कर दिया गया है, पर यह बताया जा रहा है कि हमास के ठिकानों पर कार्रवाई की, क्योंकि इसराइल ने और इसराइल के बाप अमेरिकन मीडिया ने यह दावा कर दिया तो हमारा गोदी मीडिया भी राग अलापने लगा और किस तरीके से अंधेरा बरपा हुआ है गाजा में, फोन से नेटवर्क जो है वो टूट चुके हैं, गाजा के लोगों से किसी भी तरीके से कोई संपर्क नहीं साधा जा सकता। यह तस्वीर है, पर जब कल रात को ये तमाम चीजें सामने आ रही थी जहां इसराइल की इस आतंकी कार्रवाई पर मीडिया जश्न मना रहा था, तो वही अलकसाम ब्रिगेड द्वारा रात को भी पलटवार किया जाता रहा। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि अलकसाम ब्रिगेड द्वारा रात को भी किस तरीके से लगातार विरोध जारी रहा और सिर्फ रात को ही नहीं बल्कि सुबह भी यह कार्रवाई लगातार जारी रही अलकसाम ब्रिगेड द्वारा इसराइल के ऊपर। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये सुबह का वीडियो सामने आया और सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि कुछ देर पहले भी लगातार रॉकेट जो हैं वो बरसाए जाते रहे हैं इसराइल के ऊपर। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से दिन में भी ये लगातार बमबारी जो है, रॉकेट मिसाइलें जो हैं अलकसाम ब्रिगेड द्वारा दागे जा रहे हैं,
एक तरफ IDF यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स यह दावा कर रहा है कि उसने अलकसाम ब्रिगेड को नेस्तनाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है, अब एक भी हमास का कार्यकर्ता जो है वो बचा नहीं है गाजा में, और इसका पलटवार सुबह से ही जारी हो गया। तो कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है, और हमास के बहाने जिस तरह मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके ऊपर भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। जहां आप यह साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह दावा किया जा रहा है अरबी मीडिया द्वारा, उर्दू मीडिया द्वारा, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अलकसाम ब्रिगेड ने चाहे जमीन हो चाहे आसमान हो हर तरीके तरफ से मोर्चा संभाल रखा है, और कड़ा मुकाबला जो है वो इसराइल और अलकसाम ब्रिगेड के बीच लगातार देखने को मिल रहा है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास की सैन्य शाखा इज अल दीन अलकसाम ब्रिगेड ने शुक्रवार को यह साफ तौर पर घोषणा की कि उसके लड़ाके इसराइल के बाद गाजा पट्टी के अंदर दो स्थानों पर इसराइली कब्जे वाली सेना के साथ हिंसक झड़प में लगे हुए हैं। जहां ऑपरेशन चलाया जा रहा है जमीनी स्तर पर, तो अलकसाम ब्रिगेड द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनके जो लड़ाके हैं वो लगातार जमीन पर डटकर मुकाबला कर रहे हैं इसराइल के आतंकी सैनिकों का, जहां इस हिंसक झड़प में लगे हुए हैं। और फिर दावा किया गया कि घिरे हुए फिलिस्तीनी पट्टी में अपने अभियानों के विस्तार को लगातार और तेज कर रहे हैं। हमले जो है अलकसाम ब्रिगेड द्वारा तेज कर दिए गए हैं। अलकसाम ब्रिगेड ने एक बयान में यह कहा कि बीट हनोन गाजा पट्टी के उत्तर और ब्यूरिज केंद्र के पूर्व में जमीनी घुसपैठ का सामना कर रहे हैं, और जमीन पर हिंसक झड़पें लगातार जारी हैं, गोलीबारी से हो चाहे वो आसमानी जंग से हो, हर तरफ से मुकाबला जो है वो डट कर रहे हैं। जहां गाजा में फिलिस्तीनी मीडिया ने शुक्रवार शाम को खुलासा किया कि अलकसाम ब्रिगेड ने इजरायली घुसपैठ का सामना करने के लिए कॉर्नेट मिसाइलों का इस्तेमाल किया, ये चीजें ये बातें जो अलकसाम ब्रिगेड की तरफ से आ रही हैं, उसे गोदी मीडिया इंग्लिश अमेरिकन मीडिया और इजरायली मीडिया दिखाना नहीं चाह रहा। यह तो बता दावा कर दिया गया IDF द्वारा कि भैया हमने इतने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, पर यहां जो उर्दू मीडिया है, अल जजीरा है, और तमाम वेबसाइट वेब पोर्टल चैनल वाले जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमास से मुकाबले के लिए उन्हें अपने लड़ाकू जहाज निकालने पड़े हैं, कॉर्नेट मिसाइलें जो हैं वो इसराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा दागा जा रहा है। जहां सामना करने के लिए कॉर्नेट मिसाइलों का इस्तेमाल इसराइल द्वारा किया गया, क्योंकि जमीन पर कड़ा मुकाबला मिल रहा है, और ये लड़ाकू जहाज क्यों लाने पड़े हैं, इन तस्वीरों को समझना जरूरी है। जो कि आप ये देख सकते हैं कि अल अक्सा सैटेलाइट चैनल ने यह दावा साफ तौर पर किया कि गाजा पट्टी सीमा के पास मुजाहिदीन और जायोनी वादियों के बीच भीषण लड़ाई हो रही है। गाजा का जो चैनल है वो लगातार इन तस्वीरों को दिखा रहा है और दावा कर रहा है जायोनी वादियों के बीच झड़प है, जिसके दौरान कब्जे वाले टैंकों और बख्तरबंद वाहनों पर 4 कॉर्नेट मिसाइलें दागी गई। ये कॉर्नेट मिसाइलें दागी गई हैं जो बख्तरबंद अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जहां अल अक्सा ने टेलीग्राम पर इजरायली घुसपैठ का सामना करने के लिए ऑपरेशन के दौरान कॉर्नेट मिसाइलों को लॉन्च करने के क्षण को दिखाने वाला एक वीडियो क्लिप भी प्रकाशित किया। बख्तरबंद को तबाह कर दिया गया है जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था गाजा के अंदर। कॉर्नेट एक रूसी निर्मित एंटी आर्मर मिसाइल है जो लेजर बीम से निर्देशित और लक्षित होती है, और इसे जमीन पर या सीधे कंधे पर लगे प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। कंधे पर रख करके पूरे के पूरे बख्तरबंद को उड़ा दिया गया है, तोप को, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है कि किस कदर यह मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है, और कैसे अलकसाम ब्रिगेड पलटवार कर रहा है इसराइल के आतंकी सैनिकों पर।
हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।